आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड की बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम मज़ेदार रेसिपी। आप इस रेसिपी को सिर्फ 10 मिनट में कढ़ी से मिला के 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा एकदम हेल्दी रेसिपी है। आप इसको कभी बना सकते हैं जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है या आपके यहाँ पर कोई फेस्टिवल है, तो ये रेसिपी आप, यह ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए झटपट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 ब्रेड। आपको जितने बनाने हैं उतने ब्रेड आप ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेड को हमें कट करना है। तो किस तरह से कट करना है कि पहले हम इस तरह से बीच में से कट करेंगे और फिर हम इस तरह से फिर से बीच में से कट करेंगे। तो यानी कि इसके हमें इस तरह से 4 हिस्से बना लेने हैं। अगर आपको और भी छोटे छोटे पीसेस चाहिए तो आप इसमें से एक ब्रेड में से 8 पीस भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे ब्रेड को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम रखेंगे यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन, और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच घी। घी की बजाय आप इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, बट घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आपकी चॉइस है कि आप घी लेना चाहते हैं या रिफाइंड ऑयल। घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें अपने ब्रेड के टुकड़ों को डालते जाएंगे। तो एक बार में जितने आ जाए उतने डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक बार में 4 डाल दिए हैं। अब हम पहले इनको सिकने देते हैं नीचे से, उसके बाद हम इनको पलट देंगे। तो नीचे से गोल्डन कलर हो गया है काफ़ी बढ़िया सा। तो अब हम इनको पलटेंगे, बहुत ही मिनटों में बस ये अच्छे से सिक जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सिर्फ 1 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए काफ़ी बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। बस इसी तरह से बस हम इनको थोड़ा सा और अलट पलट देंगे। काफ़ी बढ़िया से दोनों साइड से सिक चुके हैं। तो अब हम इनको इसमें से निकाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्पी, एकदम करारे करारे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए भी डाल देंगे। अगर आप बिल्कुल भी घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इनको बिल्कुल थोड़ा सा कम तेल डाल के सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने करारे करारे हमारे टोस्ट बने हैं। अब हम रखेंगे फिर से गैस ऑन करके कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये 1 कप फुल क्रीम दूध। आपके पास जो भी दूध है, जैसा भी दूध है, बॉयल, कच्चा, पानी वाला, जो भी आप ले सकते हैं। मैंने फुल क्रीम लिया है तो मैं हल्का सा इसमें पानी डाल रही हूँ। ये मेरा कच्चा दूध है तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, बस हल्का सा ही, 1/4 से भी कम, 2 चम्मच के करीब। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये 1 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। सिर्फ 1 ही चम्मच डालना है क्योंकि मैंने 1 ही कप दूध लिया है। अगर आप ज़्यादा दूध ले रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 250 ग्राम दूध के हिसाब से पानी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसी में साथ ही साथ अभी दूध ठंडा है इससे कि इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बाद में फिर उसको कटोरी में अलग से उसको मिक्स करो फिर इसमें डालो, काफ़ी झंझट हो जाता है और लम्स पड़ने के भी काफ़ी चांस रहते हैं। अगर आप पहले से ही इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो लम्स पड़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अच्छे से हमें इसको चलाते रहना है लगातार। भले ही हमने पाउडर डाल दिया है लेकिन लगातार चलाते हुए बस हमें इसको पकाना है। ये देखिए आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, बहुत ही अच्छे से ये पक भी चुका है। देखिए कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल इसी तरह का हमें इसको पकाना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच यानी कप दही चीनी। जितना मैंने दूध लिया है उसका 1/4 कप मैंने यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ, यानी कि 3 चम्मच चीनी है ये। अगर आप मीठा और भी कम पसंद करते हैं तो थोड़ा और भी कम डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 4 चम्मच चीनी आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो आप इसमें 4 चम्मच चीनी डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। 3 चम्मच में काफ़ी अच्छे से मीठा हो जाता है। चीनी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए चीनी को भी अच्छे से मेल्ट कर लिया है और काफ़ी बढ़िया से इसमें बॉयल आ चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हो चुकी है। अब हम गैस को बंद करके हल्का सा इसको ठंडा कर लेंगे, बहुत ही कम हल्का ठंडा करना है। अब हम लेंगे इस तरह की एक ट्रे की जगह आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोई थाली प्लेट कुछ भी ले लीजिए। और जो मैंने अभी मिक्सर बना के रखा है उसको हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। हल्का सा ही ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का सा गुनगुना मैंने रखा है इसको। अब हमने जो अपने जो ब्रेड टोस्ट सेके हैं उनको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो अच्छे से हम इनको सेट कर देंगे। बहुत ही झटपट से बनने वाली मिठाई है फ्रेंड्स, आप इसको कभी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मिठाई को आप बना के स्टोर कर लें महीनों के लिए, 10 दिन के, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसा नहीं है। इसको आप इंस्टेंट बनाइए, इंस्टेंट खाइए, तभी अच्छी लगती है ये। रख के बिल्कुल भी अच्छी लगती है, हलवे जैसे बन जाएगी ये, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। अब आप इसको इंस्टेंट बनाइए और तुरंत ही खाइए, तभी ये अच्छा ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। आप ये नहीं कि आप इसको रखें एक दिन के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा इसको आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा।
थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं बहुत बढ़िया से। ये देखिए हमारी एकदम झटपट बनने वाली मिठाई बिल्कुल तैयार है। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ कि किस तरह से सॉफ्ट हुए हैं। अभी मुझे इसको रखे हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं, आप इनको 5 मिनट के लिए रखेंगे तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बट ये बिल्कुल अच्छे से एकदम सॉफ्ट हैं। एकदम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही एकदम टेस्टी लगती है ये खाने में। जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आ गए या कुछ एकदम से मीठा खाने का मन कर आता है तो ब्रेड तो रखे ही रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।